जैसा कि आप जानते हैं, आप लोगों ने अभी पहले के जो है वो दो क्लासेस अटेंड की हैं, आज हमारी तीसरी क्लास है। तो पहली क्लास में हमने एक जनरल डेफिनेशन, मनोविज्ञान है क्या, उसके शाब्दिक अर्थ पे लिया था। दूसरी क्लास में हमने समझने का प्रयास किया था कि जो शाब्दिक अर्थ मनोविज्ञान या साइकोलॉजी का दिया गया है, उनको हम किन आधारों पे जो है वो बांट सकते हैं। तो उनके आधार के हिसाब से हमने उनको चार भागों में, चार अवस्थाओं में करके बांट करके पढ़ा था। उन अवस्थाओं में बांट करके मनोविज्ञान को पढ़ने के साथ साथ हमने जो चार अवस्थाएं हमारी थी, उनके जो शताब्दी वर्ष थे, उनके अनुसार जो इम्पोर्टेंट या जो महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं, जिनका योगदान बाल मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान में होता है, उनके बारे में हमने अध्ययन आरंभ किया था। तो उस अध्ययन में सबसे पहले हमने जो है कुछ अध्ययनकर्ताओं को देखा था, जिन्होंने कुछ एक ऐसे डेफिनेशंस या कुछ ऐसा प्रतिपादन हमारे सामने रखा है, जिनको हम आगे जो है अपने कोर्स में, अपने करिकुलम में इंक्लूड करते हैं, और बेहतर भविष्य के लिए स्टूडेंट्स के, जो जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में और बाल विकास के क्षेत्र में एक बेहतर रिजल्ट लेने के लिए उन मनोवैज्ञानिकों के उन प्रतिपादनों का हम अभी आधुनिकतम समय में प्रयोग कर रहे हैं। क्यों हम प्रयोग कर रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो अभी का मनोविज्ञान है, करंट सिचुएशन में, जो आधुनिकतम समय में जो हमारा मनोविज्ञान है, वो और कुछ भी नहीं है, वो व्यवहार का ही ज्ञान है। तो इस कड़ी में हमने मनोवैज्ञानिकों के अध्ययन की कड़ी में हमने कुछ तथ्य जो है इम्पोर्टेंट तथ्य नोट किए थे हमारी सेकंड क्लास में। सेकंड क्लास में हमने बेसिकली जो है वो वुंट को पढ़ा था, विलियम वुंट। इनकी अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने प्रथम प्रयोगशाला जो है स्थापित की थी, इसलिए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक इनको कहा जाता है। ये सबसे फर्स्ट है। सेकेंड हमने पढ़ा था वॉटसन को। वॉटसन ने जो अपना अध्ययन दिया था, वो बेसिकली बाल विकास के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर दिया था और उनके व्यवहारों के ऊपर दिया था। और उनका ये मानना था कि जिस तरीके की परिस्थिति होती है या जिस तरीके का वातावरण होता है, कोई भी बच्चा उस तरीके का बन सकता है जैसा कि वो बनना चाहता है, अगर उसको वातावरण प्रॉपर मिले। तो उनके इस कथन के अनुसार या उनके इस तरीके के प्रतिपादन या जो भी उन्होंने रिसर्चर्स किए, उसके आधार पे इनको व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। ठीक है, व्यवहारवाद का जनक किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? वॉटसन को कहा जाता है। अब तीसरा आज हम लोग पढ़ेंगे थार्नडाइक। ठीक है, थार्नडाइक के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि थार्नडाइक का हमारे इस बाल मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान में क्या रोल है, उन्होंने किस तरीके से क्या कार्य किए जिसके हिसाब से हमें इनको अपने करिकुलम में शामिल करना होता है। तो हम आते हैं थार्नडाइक पे। सॉरी, इनकी अगर हम लोग बात करें तो ये जो है कार्यरत थे, कहाँ पे कार्यरत थे? टीचर्स एकेडमी, कोलंबिया विश्वविद्यालय। कोलंबिया विश्वविद्यालय में जो है ज्यादातर समय इन्होंने अपने करियर का, इन्होंने अपने जो कार्य क्षेत्र जिसको हम लोग बोल सकते हैं, इन्होंने अपने कार्य क्षेत्र को जो है कोलंबिया विश्वविद्यालय में अधिकतम समय दिया। अब अधिकतम समय इन्होंने किस में दिया? इन्होंने शिक्षण में अपना अधिकतम समय दिया। एक प्रोफेसर की तरह जो है ये फेमस हैं,
शिक्षा के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा नाम आता है। शिक्षा के लिए इन्होंने बहुत सारे कार्य किए। इनके निर्देशन में या इनके सुपरविजन में बहुत सारे जो जर्नल्स थे उस समय के, जिसमें छात्र और शिक्षक की बातें की जाती थी, इन्होंने क्या किया, उनको संकलित किया। उनको संकलित करने के पश्चात शिक्षक और छात्र से रिलेटेड जितने भी इश्यूज आए उनको इन्होंने पब्लिश किया। जो इश्यूज को पब्लिश किया उसके तीन खंड बनाए, ठीक है, तीन भागों में वो पब्लिश हुए। और तीन भागों में पब्लिश होने के बाद जो इनका एक भाग जो बुक का था जिसका नाम था द टीचर्स वर्ड, ओके, द टीचर्स वर्ड बुक, ये इनका बहुत फेमस जो है वो पुस्तक हुआ और ये अभी भी बहुत चल रहा है। देन इसके एडिशंस भी आए और अभी भी ये पढ़ा जाता है। तो चूंकि शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य किया, अपना प्रयास जो है वो जारी रखा, इस वजह से अगर हम लोग बात करें तो थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। थॉर्नडाइक को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक। इनकी उपलब्धि क्या थी, इन्होंने SR थियरी का प्रतिपादन किया। इन्होंने क्या किया, क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं कि SR थियरी का प्रतिपादन किसने किया, ठीक है, या किस सन में किया गया, या थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है। तो जब हम लोग इसको पढ़ते हैं, SR थियरी उत्तेजना प्रतिक्रिया का सिद्धांत इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उत्तेजना प्रतिक्रिया का सिद्धांत। इनका ये मानना था, थॉर्नडाइक का ये कहना है कि जो भी शिक्षक है या जो भी स्टूडेंट है, छात्र और शिक्षक जो भी अपने शिक्षण का कार्य कर रहे हैं, इनके अंदर पहले उत्तेजना आती है, पहले वो एक्साइटेड होते हैं और एक्साइटेड होकर के उत्तेजित होकर के वो अपने कार्यों पे प्रतिक्रिया देते हैं। अगर मैं SR थ्योरी इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो इसके नाम से ही हमें समझ में आता है, इसका मीनिंग ही होता है स्टिम्यूलेटेड रेस्पॉन्स थ्योरी, स्टिम्यूलेटेड रेस्पॉन्स थ्योरी, यानी कि जो हमारी प्रतिक्रिया आ रही है वो हमारे उत्तेजना के बाद में आ रही है, ठीक है। प्रतिक्रिया जो आती है, चाहे छात्र की आए चाहे शिक्षक की आए, वो प्रतिक्रियाएं जो हैं हमारे पास उत्तेजना के बाद आती है। जब वो एक्साइटेड होता है शिक्षक या छात्र, जब उसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है कुछ जानने के लिए, कुछ समझने के लिए, कुछ कहने के लिए, कुछ दिखाने के लिए, उस सिचुएशन में वो अपने आप को बहुत एक्साइटेड फील करता है और उस फीलिंग के बाद जो है वो अपनी प्रतिक्रिया देता है, ठीक है। तो अगर हम थॉर्नडाइक की बात करें हमारे अपने इस कोर्स के लिए, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान के लिए, तो ये एक शिक्षक रहे। शिक्षक मैक्सिमम समय इन्होंने अपने जो करियर का मैक्सिमम टाइम है वो शिक्षण में ही व्यतीत किया, एक प्रोफेसर के रूप में व्यतीत किया, और इनके जितने प्रतिपादन हैं वो भी शिक्षण को लेकर के ही हैं। बेसिकली इनकी जो बुक्स आई हुई हैं, इन्होंने अपने तीन बुक्स को जो है वो संकलित करके प्रतिपादित किया है, वो तीनों किताबें शिक्षकों को दिशा निर्देश देती हैं कि उनको किस तरीके से कैसे काम करना चाहिए। तो शिक्षकों को फोकस करके उन्होंने विभिन्न प्रकार के दिशा निर्देश और विभिन्न प्रकार के कार्यों को किया और अपने प्रतिपादन को सामने रखा। इस वजह से थॉर्नडाइक को क्या कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। याद रहेगा आप लोगों को, भूलेगा तो नहीं।
चलिए नेक्स्ट। इनको आप याद रखिएगा, जब हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान की तरफ जब आएंगे, जब इंडिविजुअल टॉपिक को ही लेंगे, तो हम इसको जो है अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट आइए स्कीनर। स्कीनर ये भी बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं, और इनका नाम भी बहुत अच्छे तरीके से जो है वो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों में लिया जाता है। इनका जो एक कथन था, कथन की अगर हम लोग बात करें, तो कथन इनका था कि इन्होंने मनोवैज्ञानिकों के विभिन्न प्रकार के जो दृष्टिकोण हैं, उन दृष्टिकोणों को एक बार बांधने की जो है वो प्रक्रिया को अपनाया, और इन्होंने कहा कि जिस प्रकार की परिस्थितियां होती हैं, परिस्थितियों के अनुरूप जो प्राणी होता है वो व्यवहार करता है। तो अगर हम एक शॉर्ट टर्म में जाएं, तो इन्होंने कहा परिस्थितियों के अनुरूप प्राणियों का व्यवहार। ठीक है, अगर हम एक निष्कर्ष पे जाएं कि स्कीनर जो है वो क्या कहना चाहते थे या उनके प्रतिपादन में क्या था, तो उनके प्रतिपादन में ये था कि परिस्थितियों के अनुरूप प्राणी क्या करता है, व्यवहार करता है। हमने थॉर्नडाइक को देखा था, थॉर्नडाइक ने क्या दिया, अभी मैंने आपको बताया था, क्या दिया, SR थ्योरी। क्या दिया, SR थ्योरी। किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने। इसको क्या किया, ये जो थ्योरी थी थॉर्नडाइक के द्वारा जो दी गई थ्योरी थी, इसको स्कीनर ने क्या किया, इसके अंदर रेडिकल बिहेवियर क्या होता है, व्यक्ति का मौलिक व्यवहार होता है। रेडिकल बिहेवियर को इंक्लूड किया, और ये जो SR थ्योरी थी इसको RS थ्योरी में परिवर्तित किया। अब मैंने आपको पहले भी बोला था, SR थ्योरी क्या है आपका, स्टिमुलेटेड रेस्पॉन्स थ्योरी, और SR थ्योरी क्या रहा, रेस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी। ठीक है, उन्होंने क्या किया, RS थ्योरी जो कि थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई थी, उसको RS थ्योरी में कन्वर्ट किया, परिवर्तित किया, और उन्होंने ये कहा कि जिस प्रकार की परिस्थितियां बनती, पहले हमने देखा कि जैसे जैसे कार्य सामने दिखते हैं उत्तेजनाएं आती हैं, और उत्तेजनाओं के बाद प्रतिक्रिया होती है। इन्होंने ये कहा कि नहीं, जो परिस्थितियां हैं, परिस्थितियों के अनुसार प्राणी जो है वो क्या करता है, अपना व्यवहार प्रदर्शित करता है, और उसी के अनुसार व्यवहार के बाद जो है ये स्टिमुलेशंस आते हैं। इसके लिए इन्होंने क्या किया, इनका काफी फेमस जो है एक रिसर्च भी रहा हुआ है, अगर आप लोगों में से कोई जानते हो, या आप कुछ किताबें अगर आप अच्छी उठाएंगे जिनमें इनके बारे में दिया हुआ, स्केनर के विशेष पुस्तकों को अगर आप निकालेंगे, तो इनका एक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। अध्ययन में इन्होंने क्या किया कि एक बॉक्स लिया था जानवर के ऊपर, वैसे तो इन्होंने कई सारे अध्ययन किए हैं, बट ये जो आपका RS थ्योरी का जो अध्ययन है, इन्होंने एक बॉक्स लिया, बॉक्स के अंदर एक चूहे को रखा, ठीक है, बॉक्स के अंदर चूहे को रखा, और उसका जो ऊपर का सतह था वहां पे उन्होंने एक जगह बनाई, जगह बना करके चूहे के लिए कुछ खाने के लिए रखा। जैसे जैसे समय मिलता, ये क्या करते कि एक बटन बाहर से लगा हुआ था, जब भी वो उस बटन को पुश करते, खाना या दाना जो भी है वो चूहे के लिए उस बॉक्स में आता और चूहा उसको खाता।
यानी कि जैसे उसको आवश्यकता होती वो वैसे नहीं ले रहा है, जब उसको दिया जा रहा है तब वो खा रहा है। तो ये क्या चल रहा था कि ये रूटीन का प्रोसेस चल रहा था जो हमारा ये थ्योरी कह रहा था, यानी कि आदमी अपने आप नहीं कर रहा है, जैसा दिया जा रहा है उसके हिसाब से प्रतिक्रिया दे रहा है। लेकिन चूहा जो है उस बॉक्स के अंदर ही है, ऐसा तो है नहीं कि एक जगह बैठा हुआ है मुंह गिरा करके, वो इधर उधर थोड़ा बहुत घूम रहा है, जा रहा है आ रहा है, कभी इस कॉर्नर में कभी उस कॉर्नर में, कभी थोड़ा ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है कभी नीचे उतरने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा करते करते एक बार क्या हुआ कि उस चूहे ने उस बटन को प्रेस कर दिया जिस बटन को प्रेस करने से खाना आता था। ठीक है, तो जब चूहे ने उस बटन को प्रेस किया और प्रेस करने के बाद उसने देखा कि इस पे चढ़ने के बाद खाना आ गया, देन पहली बार में वो भी नहीं समझ पाया कि ये क्या हुआ था। फिर वापस खाना खाने के बाद जब उसको भूख लगी तो वो फिर से थोड़ा घूमने टहलने लगा, इधर उधर 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 करने लगा, और अचानक से फिर से वो बटन प्रेस हुई जिससे उसका खाना फिर से उस डिब्बे में आया। तो ऐसा करते रहने से बाद में ये चीजें समझ में आई, और जब भी वो आया वो तुरंत उसको खाने लगा। यानी कि वो ऐसा नहीं है कि जब दिया जाएगा तभी वो खाएगा, जब उसके पास आया तब भी उसने अपनी प्रतिक्रिया को दिखाया, उसने अपने एक्साइटमेंट को शो किया और वो उसको खाने लगा। तो ये क्या है, बिल्कुल जो थार्नडाइक की जो का प्रतिपादन था वो बिल्कुल इन्होंने ऑपोजिट कर दिया। और इस वजह से आप कभी भी इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि बिल्कुल कभी भी देखा जाए, अगर एक सर्चरी में जैसे बहुत सारे एग्जाम्स में बच्चे इस चीज की गलतियां करते हैं, है ना, गलतियां करते हैं, क्योंकि बहुत माइनर माइनर सी चीजें होती हैं जो हमारे दिमाग में बिल्कुल फिट होती हैं, लेकिन जैसे ही हमारे पास पेपर आता है, जिस समय हम पेपर को देखते हैं, अब बिल्कुल ऐसे लगता है कि ओहो ये तो मेरा पढ़ा हुआ है, इसमें तो क्या सोचना है, यही आंसर होगा, और आरएस थ्योरी को एसआर थ्योरी समझ करके आप टिक करके चले आते हैं। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। अभी थोड़े टाइम पहले जो है आपके यहाँ राजस्थान में जो है ये एग्जाम हुआ था, आई थिंक सेकेंड ग्रेड का एग्जाम था शायद, उसके अंदर किसी एग्जाम के अंदर जो है एक क्वेश्चन आया हुआ था, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम। देखिए साइकोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, हम मनोविज्ञान की कक्षा में बैठे हुए हैं, और कितना बड़ा एग्जाम्पल है ये आप लोगों के लिए सोचने के लिए, जब सारी चीजें हमारी तैयार होती हैं, पूरा पढ़ा हुआ होता है, जिस समय पे पेपर हमारे पास आता है, और बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चंस को जब हमें ऐसे लगता है कि इसमें तो क्या है, क्या लेवल है पेपर का, कैसा पेपर दे दिया है, लेकिन जब उसको सॉल्व करने बैठते हैं तो आप बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड काम करके आते हैं, ए की बजाय सी, सी की बजाय डी, डी की बजाय बी, इस तरीके से आप करके चले आते हैं। अब मैं बात कर रही थी क्वेश्चन की, क्वेश्चन था महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या है। एग्जामिनेशन हॉल में महाराणा प्रताप के हाथी, यहां तक बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं, लेकिन महाराणा प्रताप को हमने हमेशा शुरू से छोटे से बड़े हम लोग हो गए, हमने केवल एकेडमिक सेशन में ही हाथी को पढ़ा, जो हमारी व्यवहारिक लाइफ है, व्यवहारिक लाइफ में हमने क्या पढ़ा, महाराणा प्रताप का घोड़ा, और घोड़ा कौन था, चेतक। तो जब हम उसको पढ़ रहे हैं, यानी कि जब हम उसको अध्ययन में ले रहे हैं, जो पेपर है जब हम उसको देख रहे हैं, तो देखने में हम पढ़ रहे हैं कि महाराणा प्रताप का हाथी, लेकिन टिक करने में हम चेतक को टिक करके चले आए, और इतने शान से बोल रहे हैं कि वाह क्या पेपर आया था, इतिहास में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं क्या। तो अचानक से, चूंकि ये तो मेरे सामने की बात है, कुछ बच्चे जो है ऐसी बात कर रहे थे कि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम, अरे मैंने तो ये बहुत शानदार प्रश्न था, ये चेतक कर दिया। लेकिन एक बच्चा बोला कि नहीं नहीं ये नहीं होगा, राम प्रसाद होगा। अरे वो कैसे हो सकता है, ये तो नाम कभी सुना ही नहीं। उस बच्चे ने कहा कि नाम नहीं सुना, लेकिन तुम देखो तो सही कि इसमें पूछा क्या है, प्रश्न क्या है। तो जब प्रश्न को वापस से एक बार पढ़ा गया तो प्रश्न क्या था, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या है। तो इस तरीके से ये जो एक्साइटमेंट्स होते हैं,
जो उत्तेजनाएं होती हैं उन उत्तेजनाओं के कारण भी कई प्रकार के व्यवहार ऐसे होते हैं जो आपका जो व्यक्तित्व है उस व्यक्तित्व को शोभा नहीं देते हैं, लेकिन उत्तेजनाओं के कारण वो व्यवहार उस तरीके से हो जाते हैं। तो आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, आप चाहे घोटा मारिए, चाहे आप इसको रटिए, चाहे आप एग्जाम्पल्स के थ्रू समझिए, आप जैसे भी समझना है समझिए, लेकिन आपको ये लर्न होना चाहिए कि SR थ्योरी थार्नडाइक की है और RS थ्योरी किसकी है, स्किनर की है। तो आप इस चीज में कभी भी किसी भी तरीके से कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखेंगे, ठीक है? आप स्किनर के लिए कुछ लिख लीजिए अपनी कॉपी में, लिखिए। स्किनर ने परिस्थितियों के अनुसार स्किनर ने परिस्थितियों के अनुसार प्राणियों में होने वाले प्राणियों में होने वाले व्यवहार की चर्चा की उन्होंने उन्होंने थार्नडाइक द्वारा उन्होंने थार्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित उत्तेजना प्रतिक्रिया सिद्धांत को मौलिक व्यवहार के माध्यम से अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत इंग्लिश में बोलते हैं रेस्पॉन्स स्ट्यूमुलस थ्योरी में परिवर्तित किया, ठीक है? ये हमारे स्कीनर महोदय ने इस तरीके से इसको डिफाइन किया। आगे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट आइए सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड लिखिए। सिगमंड फ्रायड ने मस्तिष्क की रचना के अनुसार मस्तिष्क की रचना के अनुसार इदम अहम तथा परम अहम इदम अहम तथा परम अहम की संकल्पना को सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया। ठीक है?
इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो मस्तिष्क की रचना के अनुसार तीन भागों में जो है व्यक्ति को या व्यक्तित्व को जो है वो दर्शाया। सबसे पहला इन्होंने बोला इड है, दूसरा ईगो है और तीसरा सुपर ईगो है। अब ये जो इड होता है, इड बेसिकली और कुछ नहीं, ये हमारी नीड या हमारे वॉन्ट्स होते हैं, ठीक है। ये क्या होती है, ये हमारी नीड या हमारे वॉन्ट्स होते हैं। ईगो की हम बात करें तो ईगो हमारी रियलिटी होती है, और जब हम सुपर ईगो की बात करते हैं तो ये हमारी मोरालिटी होती है। जो इड है हमारी, ये क्या है, आवश्यकता है, और रियलिटी हमारी क्या होती है, यानी कि ईगो हमारी सच्चाई है, और ये सुपर ईगो हमारी नैतिकता होती है, ठीक है। इन्होंने मस्तिष्क की रचना के अनुसार व्यक्ति को जो है डिफाइन किया कि उसके अंदर, किसी भी एक व्यक्ति के अंदर ये तीनों ही होते हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। जब हम बात करते हैं इड की, तो इड हमारी बेसिक छोटी छोटी जो नीड्स होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं, हमारे अपने दैनिक जीवन में बहुत छोटी 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 आवश्यकताएं होती हैं। हर मोड़ पर आपको एक नई आवश्यकता जो है वो दिखेगी अपने लिए, एक नई चाह जो है वो दिखेगी अपने लिए। तो नीड्स और वॉन्ट्स कभी भी खत्म नहीं होते हैं, हमेशा और हमेशा आपके अंदर पनपते रहते हैं, लेकिन हर एक नीड, हर एक चाह आप पूरी नहीं कर पाते हैं। कुछ पनपते ही खत्म हो जाते हैं, कुछ के ऊपर थोड़ा काम करते हैं, आप जहन में रहता है, वो खत्म हो जाते हैं, लेकिन हम आगे कौन सी आवश्यकता या कौन सी नीड के ऊपर चल पाते हैं जो हमारे लिए, हमारे व्यक्तित्व के लिए या हमारे जीवन चक्र के लिए आवश्यक होता है। हमारे पारिस्थितिकी, यानी कि जो हमारा आधुनिकतम या प्रेजेंट वातावरण है, जिस भी वातावरण में हम रहते हैं, उस वातावरण के अनुसार जो आवश्यकताएं हमारी होती हैं, हम उन आवश्यकताओं पे काम करते हैं, और उन आवश्यकताओं पे काम करते करते वो हमारे साथ होती हैं। लेकिन छोटी छोटी ऐसी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं जो केवल जहन में आती हैं, लेकिन वो हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक नहीं है, या कोई बहुत ज्यादा प्रतिफल हमें नहीं दे रही है, वो क्या होती है, लैप्स हो जाती हैं। तो हमारी जो छोटी छोटी आवश्यकताएं होती हैं, ये हमारी क्या है, इड है। अब इन आवश्यकताओं में, रियलिटी में, हमारी अपनी लाइफ के अंदर, हमारे अपने जीवन चक्र के अंदर, हमारे अपने जीवन काल के अंदर, हमारे लिए या हमसे प्रभावित होने वालों के लिए कौन सी आवश्यकताएं चाहिए, इसको हम डिफाइन करते हैं रियलिटी के थ्रू, यानी कि ईगो के थ्रू। और उसको जब हम अपनाते हैं या जिस तरीके से हम उसको यूज में लेते हैं, वो हमारी अपनी मोरालिटी होती है, हमारी अपनी नैतिकता होती है। अब जब इन तीनों का हम कॉम्बिनेशन देखते हैं, तो ये जो छोटी छोटी आवश्यकताएं हैं हमारी, देखिए ये समझने की बात है, मुझे नहीं लगता ये कभी आपको किसी ने समझाया होगा और कभी आपने कहीं ये पढ़ा होगा, बट ये समझने की बात है। ये जो हमारी इड होती है, इड जो है सुपर ईगो के साथ मिलती है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति के अंदर जो हमारा इड है, यानी कि जो हमारी आवश्यकताएं हैं, हमारी क्या होती हैं, नैतिकता के साथ मिलती हैं, और सुपर ईगो के साथ मिल करके ये हमारे अंदर ईगो का निर्माण करती है, ठीक है। इसलिए कभी आपने देखा होगा, कोई कोई व्यक्ति होते हैं जिनको पहचाना जाता है कि यार इंसान कभी झूठ नहीं बोल सकता, झूठ तो इसके खून में है ही नहीं। किसी किसी को आपने देखा होगा, ये नालायक कभी सुधरेगा नहीं, कितना भी सुधार लो सुधरेगा नहीं। तो ये जो शब्द हम प्रयोग में लेते हैं, वो हम क्यों प्रयोग में लेते हैं,
क्योंकि व्यक्ति का जो अपना व्यक्तित्व है वो व्यक्तित्व बाह्य व्यक्तित्व ही तो लोग देखते हैं। अंदर वो क्या है, कैसा है, उस कैसा सोच रहा है, क्या कर रहा है, ये तो कोई नहीं जान सकता। लेकिन व्यवहारों के माध्यम से उसने अपने आप को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत करने में क्या किया, जो भी उसकी अपनी आवश्यकताएं हैं, जो भी उसके अपने नीड हैं, उसको उसने अपने व्यवहार के प्रतिफल या व्यवहारिक ढांचे के अंदर लिया, और ढांचे के अंदर ले करके अपने ईगो यानी कि जो रियलिटी है, उस समय की जो सच्चाई है, उस समय का जो तत्कालीन वातावरण है, तत्कालीन आवश्यकता है, उसके अनुरूप जो है उसको क्रियान्वित किया। तो इसको क्या हुआ, ईगो में परिवर्तित किया। तो सिगमंड फ्रायड का इड ईगो और सुपर ईगो यानी कि इदम अहम और परम अहम, ये संकल्पना बहुत ही फेमस है। कई बार आपके एग्जाम्स में इससे प्रश्न आए हुए हैं और संभावनाएं इससे बनती हैं कि प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आप उतार लीजिए और एक लाइन लिख लीजिए, लिखिए, मनुष्य मनुष्य अपने अव्यवस्थित मनुष्य अपने अव्यवस्थित विभिन्न प्रकार के इड या ब्रैकेट में लिख लीजिए इदम, विभिन्न प्रकार के इड को सुपर ईगो, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा परम अहम, विभिन्न विभिन्न प्रकार के इड को सुपर ईगो की सहायता से, विभिन्न प्रकार के इड को सुपर ईगो की सहायता से ईगो, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा अहम, ईगो में परिवर्तित करता है जो उसके व्यवहार में, जो उसके व्यवहार में देखा जा सकता है, जो उसके व्यवहार में देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपके जो है वो सिगमंड फ्रायड हैं, जिन्होंने क्या किया, इड ईगो और सुपर ईगो का सिद्धांत हमारे सामने रखा और हमें ये सिखाया कि व्यक्ति के अंदर ये तीनों हैं। चाहे कोई भी व्यक्ति है, एक सामान्य है, सामान्य से ऊपर है, बहुत शक्तिशाली है, बलशाली है, मानसिक स्तर से बहुत ऊंचा है, शारीरिक स्तर पे जो है बहुत हृष्ट पुष्ट है, कोई भी है, हर व्यक्ति के अंदर ये तीनों होता है। लेकिन किसमें कम है, किसमें ज्यादा है, किसमें कौन सा हावी है, ये मस्तिष्क के ये जो तीनों हमारे रचना के अनुसार ये जो तीनों तथ्य, तीनों भाग हमारे अंदर हैं, इसमें कौन सा हमारे अंदर हावी है, इसके अनुसार ही हमारा क्या होता है, व्यक्तित्व देखा जाता है या हम देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक को हम लेते हैं। ड्वेक, ड्वेक को हम लेते हैं, इनका भी योगदान अगर हम लोग देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा एवं बाल विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है इनका। कैसे रहा है, ये अभी भी बहुत क्रियाशील हैं
इनके बहुत सारे रिसर्चेस जो है वो अभी भी चल रहे हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं जिनको अभी भी जो है अप्लाई किया जाता है इनके बहुत सारे थ्योरीज को। और एक्चुअली ये बहुत सारे जगहों पे, बहुत सारे सोसाइटीज के, बहुत सारे कार्यों के अंदर ये अपने आप को जो है वो बहुत अच्छे से सक्रियता के साथ जो है इन्वॉल्व करती हैं और उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। अब इनका क्या मानना था? इनका मानना ये था कि जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति को यदि स्टार्टिंग से ही कमजोर बना दिया जाए तो वो क्या करता है, जब भी कोई अचानक से कार्य आता है उस कार्य के आने पे घबरा जाता है और उस कार्य को करने की हिम्मत ही छोड़ देता है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक रिसर्च किया। रिसर्च किस पे किया? कुछ बच्चों पे किया। बच्चों पर रिसर्च किया। क्या रिसर्च किया? इन्होंने कुछ बच्चों को 25 दिन के लिए एक असाइनमेंट पे लिया। 25 दिन के लिए गणित विषय के असाइनमेंट में लिया, ठीक है? गणित विषय के असाइनमेंट में इन्होंने 25 दिन के लिए कुछ बच्चों को लिया। उन बच्चों को लेकर के इन्होंने दो ग्रुप बांटे, ग्रुप ए और ग्रुप बी, ठीक है? जो ग्रुप ए था इसमें इन्होंने जो असाइनमेंट का हमारा भाग था गणित के आसान एवं सामान्य सवाल रखे, ठीक है? दूसरे में जब हम आते हैं तो इस ग्रुप में गणित के सामान्य तथा कठिन दोनों प्रकार के सवाल रखे। अब देखिए मुद्दे की बात क्या है, इन्होंने दोनों ही बिल्कुल बराबर बराबर स्टूडेंट्स के दो ग्रुप बनाए। एक ग्रुप में इन्होंने मैथमेटिक्स के बिल्कुल इजी गोइंग जो इक्वेशंस होते हैं वो ही सिखाया और वो ही प्रश्न उन्होंने उनको बच्चों को करने के लिए दिया। आज जैसे बहुत इजी जो है वो कोई टॉपिक लिया, उस टॉपिक की कोई इजी से सम्स लिए, सम्स को पढ़ाया, उनको कैलकुलेशन सिखाया, देन वही बिल्कुल इजी पैटर्न में डायरेक्ट बिल्कुल क्वेश्चंस उनके सामने प्रस्तुत किए और बच्चे ने पेपर किया और बहुत अच्छे से फुल ऑन फुल मार्क्स या लगभग फुल ऑन फुल मार्क्स को ये गेन करते थे। तो हम लोग देखें अगर तो इससे निष्कर्ष क्या निकला, ये जो पहला अगर हम लोग देखें जो ग्रुप ए था, इस ग्रुप ए के निष्कर्ष पे हम चलते हैं तो इनको बार बार सफलता मिली, ठीक है? ये जो चल रहा था इनका बार बार इजी पढ़ाया जा रहा है, इजी प्रश्न दिए जा रहे हैं, तो पहले दिन दिए गए इजी पढ़ाया गया, इजी प्रश्न दिए गए, उससे क्या हुआ, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आया, जो पढ़ा था उसने तुरंत उसको सॉल्व किया, देन सॉल्व करने के बाद जब पेपर किया तो पेपर करने से उसको कॉन्फिडेंस आया कि इसमें तो कुछ भी नहीं था, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो कोई भी खूब आराम से कर सकता है। उसके बाद दूसरे दिन फिर पढ़ाया गया, फिर उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस दिए गए, क्वेश्चंस बिल्कुल वहीं से थे, इजी गोइंग थे, डायरेक्ट थे, बच्चे को बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था, बहुत ज्यादा सोचना नहीं था या बहुत ज्यादा उसके ऊपर एफर्ट या मेहनत नहीं करना था। देन तीसरे दिन भी यही हुआ, चौथे दिन भी यही हुआ, पांचवें दिन भी यही हुआ, 25 दिन तक ये जो है पेपर इनके साथ चला। और इनको क्या हुआ, इस तरीके के ये जो ग्रुप ए के स्टूडेंट्स हैं इनको हर एक बार सफलता मिली, किसमें मिली, उन 25 दिनों के करिकुलम में। दूसरी तरफ हम आते हैं, दूसरी तरफ हमारा जो ग्रुप बी है गणित के, उसमें सामान्य प्रश्न भी दिए गए थे, उसमें कठिन प्रश्न भी दिए गए थे। अब सामान्य और कठिन दोनों थे तो दोनों में से
स्टूडेंट जो है वो थोड़ा कुछ कर रहा था, थोड़ा कुछ हिचकिचा रहा था, थोड़ी कुछ गलतियां कर रहा था। तो पहले दिन किया, तो पहले दिन उसने कुछ किए, कुछ गलत किया, वो एक्साइटेड हुआ। कुछ पॉजिटिव स्टूडेंट्स थे जिनको ये लगा कि कुछ ना करने से बेटर हमने कुछ तो किया। उनमें ही कुछ ऐसे नेगेटिव थे जिन्होंने कहा कि अरे ये हमारे बस की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन ड्यूक ने उनको मोटिवेट किया। ये जो ग्रुप बी है, ड्यूक ने उनके साथ समय दिया, उन्होंने मोटिवेट किया, उन्होंने कहा नहीं नहीं बच्चों करो, वापस हो जाएगा, कल पढ़ोगे तो फिर से हो जाएगा। कल फिर वापस बच्चा क्लास में आया, उसको पढ़ाया गया, अगेन उनका जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन पेपर था, उसमें कुछ घुमा फिरा के फिर वापस से प्रश्न श्रृंखला जो है वो उनके सामने आई। वापस दूसरे दिन कुछ प्रश्न बच्चों के हुए, कुछ प्रश्न बच्चों के नहीं हुए। तो अब कुछ प्रश्न हुए थे, कुछ प्रश्न नहीं हुए थे, दूसरे दिन भी बच्चा परेशान। वापस उसमें से कुछ जो है वो बोल रहे हैं कि यार फालतू ये बकवास है, ये इसमें हम क्यों आ गए, या हमारे लायक नहीं है, या हम गणित नहीं पढ़ सकते, छोड़ो इसको, हम ऐसा करते हैं, हम इतिहास भूगोल पढ़ लेते हैं। वापस ट्यूक ने जो है वापस उनको मोटिवेट किया, नहीं 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 होगा होगा, हम 25 दिनों के लिए है ना, चिंता मत करो, अभी तो आज दूसरा ही दिन है, अभी तो आज तीसरा ही दिन है। ऐसे करते करते उन्होंने जो है उनको मोटिवेट किया, कार्य के प्रति उनको एक्साइटेड किया। यानी कि आज का रिजल्ट देख करके जो बच्चों के अंदर एक डिप्रेशन की भावना आ रही थी, एक्साइटमेंट खत्म हो रहा था, उन्होंने जस्ट उस टेस्ट के रिजल्ट के बाद ही वापस जो है एक्साइटमेंट से भरा, या मोटिवेशनल लेक्चर या 1-to-1 जाकर के बच्चों से बात करके फिर से कल के लिए वापस तैयार किया। ऐसा करने से ये जो ग्रुप है हमारा, ग्रुप बी है, इस ग्रुप बी से क्या हुए, रिजल्ट क्या मिले, रिजल्ट क्या मिले हमारे पास, जो ग्रुप बी का रिजल्ट है, चूंकि सामान्य प्रश्न भी थे और कठिन प्रश्न भी थे, तो इसमें कभी सफलता तो कभी असफलता, यानी कि फ्लक्चुएशंस चलता रहा। इसमें कोई भी बच्चा ऐसा नहीं था जो पूरी तरीके से किसी भी एक पेपर में 100% स्कोर वाला हो, जबकि यहाँ पे बच्चा, हर बच्चा लगभग लगभग 100% स्कोर में था। अब ये तो हुई जी 25 दिनों की बात, कि 25 दिनों में ये क्या बात हुई। अब 25 दिन के बाद एक पेपर ऐसा तैयार किया गया जिसके अंदर कुछ सामान्य प्रश्न भी थे, कुछ मॉडरेट प्रश्न भी थे और कुछ टफ क्वेश्चंस भी डाले गए। जब उस प्रश्न पत्र के अंदर फिर इन दोनों को एक साथ ग्रुप को क्लब कर दिया गया, ग्रुप को क्लब करने के बाद जब वो प्रश्न पत्र हल करने के लिए कहा गया, तो चूंकि हर तरीके के प्रश्न उसमें थे, तो जो हमारे ये बार बार सफलता प्राप्त कर रहे थे इजी क्वेश्चंस वाले जो स्टूडेंट्स थे, उनसे तो वो सॉल्व ही नहीं हुआ। कुछ कुछ सॉल्व हुआ, कुछ कुछ रह गया, लेकिन इनकी तो क्या है कि हैबिट में ही आ गया था इस तरीके के। वो तो 25 दिन से फेस कर रहे थे कि कुछ हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। इन्होंने उसको बहुत एक्साइटमेंट के साथ अटेम्प्ट किया, इन्होंने कुछ एक्साइटमेंट कुछ नीरसता लेकर के अटेम्प्ट किया, और जो 25 दिन के बाद सेशन खत्म होने के बाद पूरे बच्चों के बीच में जो पेपर हुआ, उसमें ये देखा गया कि ये बच्चे तुरंत ही, जैसे ही वो पेपर हुआ, इन्होंने बिल्कुल हार मान लिया और इन्होंने कहा कि हम तो पढ़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमने जो पढ़ा था यार ये तो कुछ और है, यहाँ पे तो लेवल कुछ और आ रहा है। और इनको ये था कि हाँ आगे आने दो, कोई दिक्कत नहीं, हमें सीखने मिल रहा है, सीखने मिल रहा है, सीखने मिल रहा है। तो इस थ्योरी पे आगे चल करके इन्होंने, ड्यूक ने ये बात जो है वो स्टूडेंट्स के सामने रखी कि जो अलग अलग परिस्थितियों में लोग रहते हैं, अलग अलग परिस्थितियों में जब अलग अलग तरीके से उनके व्यवहारों को सिखाया जाता है, उन अलग अलग व्यवहारों के माध्यम से व्यक्ति सीखता है और आगे काम करने की इच्छा जागृत करता है। लेकिन किसी एक ही सिचुएशन में, किसी एक ही स्थान पे, किसी एक ही कार्य को एक ही लेवल पे अगर बार 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 कराया जाता है, तो स्टूडेंट या बच्चों के अंदर से वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है और वो उसमें अपना दिमाग लगाने की बजाय जिस समय भी अपने आप को थका हुआ फील करता है,
जिस समय भी वो अपने आप को असफल फील करता है, वो अपना पैर खींचता है या उसमें अपना जो है क्रियाशीलता नहीं दिखा पाता है। ठीक है, तो ये हमारे जो है वो ड्यूक जो है काफी बोल्ड लेडी हैं, अभी भी बहुत अच्छे से प्रेजेंट टाइम में भी शी इज वर्किंग एंड बहुत सारी चीजों में वो कार्य कर रहे हैं, तो ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये ड्यूक हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, ये कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जिनके जो है अगर हम लोग कार्यों को लेकर के चले तो कार्यों की सराहना हम इसलिए कर रहे हैं, यहाँ पे हम इनको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये हमारे शिक्षण से संबंधित हैं। जो हम एक मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, मनोविज्ञान हम विषय के रूप में नहीं पढ़ रहे हैं, हम हमारे शिक्षण के पार्ट में, यानी कि जो हमारा टीचिंग वाला पार्ट है, विषय हमें कुछ और पढ़ाना है, मनोविज्ञान थोड़ी ना आपको पढ़ाना है, आपको विषय कुछ और पढ़ाना है, लेकिन उस पढ़ाने में जो साइकोलॉजिकल टर्म्स होने चाहिए, जो साइकोलॉजिकल रिदम होना चाहिए, जो आपके मन की उपस्थिति होनी चाहिए, जो आपके व्यवहार की उपस्थिति होनी चाहिए, उनके लिए हम ये यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि आप अपने स्टूडेंट्स को, आप अपने छात्रों को किस तरीके से समझ पाएंगे, उनकी समझ के अनुसार, उनके डिमांड के अनुसार, या उनको क्या चाहिए उनके अनुसार आप क्या कर पाएंगे, इसके लिए आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और ये पढ़ने का मतलब रीजन भी यही है कि अगर आप ये पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं एक कंफर्ट जोन जो है आपका बनता है, उस कंफर्ट जोन में बच्चा आपके साथ बहुत सुरक्षित महसूस करता है, अपने आप को ओपन महसूस करता है और आपसे अपनी सारी परेशानियों को बताता है जिसको आपको दूर करना होता है। अगर आपको परेशानी ही नहीं पता होगी तो आप स्टूडेंट्स के साथ कैसे दूर कर पाएंगे उसको? तो आपको दूर करने के लिए, उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए आपको उनको जानना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, विलियम मैकडूलर। विलियम मैकडूलर की बात करते हैं हम लोग। लिखिए, विलियम मैकडूलर ने, विलियम मैकडूलर ने आउटकम साइकोलॉजी विलियम मैकडूलर ने आउटकम साइकोलॉजी नामक पुस्तक को प्रकाशित किया, नामक पुस्तक को प्रकाशित किया जिसमें जिसमें एबनॉर्मल साइकोलॉजी तथा सोशल साइकोलॉजी पर चर्चा की गई। इस पुस्तक में 492 पेज थे या पेज हैं, इस पुस्तक में 492 पेज हैं जिसमें पृष्ठ संख्या 16 पर चेतना शब्द की
आलोचना की गई है। ठीक है, इन्होंने आउटकम साइकोलॉजी में क्या कहा, इन्होंने दो जो है वो दो प्रकार के मनोविज्ञान को इंक्लूड किया, या दो प्रकार के जो हमारे मनोविज्ञान की शाखाएं हैं, शाखाओं में अगर हम लोग जाएंगे, हम आगे चल के पढ़ेंगे, तो उनमें जो है जो हमारा एबनॉर्मल साइकोलॉजी है, यानी कि असामान्य मनोविज्ञान है, उसको लिया, और दूसरा हमारा सोशल साइकोलॉजी यानी कि सामाजिक मनोविज्ञान को लिया। इन दोनों को ले करके, इन दोनों के जो आउटकम्स हैं, जो भी जिस तरीके का प्रतिफल ये देते हैं, हमारे असामान्य मनोविज्ञान और हमारे सामाजिक मनोविज्ञान, उन सबको मिला करके ये हमारे सामने आउटकम साइकोलॉजी नामक पुस्तक जो है वो आई। इसके अंदर 400 खासियत है ये बेसिकली। बाकी अगर हम लोग जाएं तो पुस्तकों में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जितने भी आपके कोर्स के अनुसार किताबें पढ़ी गई हैं या जितने भी सोर्स देखे गए हैं, उनमें आपके सामने ये तथ्य रखा गया है, सो मैं भी ये रख रही हूँ कि उसमें पृष्ठ संख्या 16 पर चेतना की बहुत कड़ी निंदा की गई है, जबकि चेतना को अगर हम लोग जाएं तो 19वीं शताब्दी के जितने भी हमारे मनोवैज्ञानिक बहुत स्ट्रांगली उसको यूज में लेते थे, लेकिन आगे चल के इन्होंने, विलियम मैकडूलर ने इस तथ्य को जो है वो समाप्त किया, और उसका बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म जो है वो क्रिटिसाइज किया इस शब्द को, बोले कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, जो भी होता है वो क्या होता है, व्यवहार होता है। तो ये आज हमने कुछ और मनोवैज्ञानिकों को पढ़ा, आगे कुछ एकादा डेफिनेशंस हैं जो हम लोग पढ़ेंगे। ये तो हमने क्या है कि उनको पढ़ा जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अपने थ्योरीज या कुछ अपने प्रतिपादन किए हैं जो हमारे इस कोर्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं और हमें वो जानना चाहिए। कुछ एकाध डेफिनेशंस हैं, कुछ एक मनोवैज्ञानिकों के, कुछ उनके कथन हैं, कुछ फैक्ट, मतलब डायरेक्ट बिल्कुल जो उन्होंने कहा है, जिस तरीके से कहा है, उनको आपको याद होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला है डेफिनेशंस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो वो याद होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उनके डेफिनेशन से रिलेटेड जो है वो इश्यूज या जो भी मनोवैज्ञानिक है उनको पढ़ेंगे, और मनोविज्ञान का प्रकार कितना है वो पढ़ेंगे। तो वो पढ़ते साथ ही अगली क्लास में हमारा जो एक इंट्रोडक्शन मनोविज्ञान का, साइकोलॉजी का जो एक इंट्रोडक्टरल पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, वो हमारा पार्ट क्या होगा, कंप्लीट होगा। सो घर जा करके खूब आराम से पढ़िए, इसको रिवाइज कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए। ठीक है, खुश रहिए, मस्त रहिए और जबरदस्त रहिए। बाय।